एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत वाले स्पेशल आलू के कुट्टू के पकोड़े। ये हमने एक उबले आलू को ना इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, एक हरी मिर्च काट ली है और 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन ली है। अगर आप अजवाइन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे अब थोड़ा सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, और ये जो कुट्टू का आटा है ना ये भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको चलाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालें इसमें। इसको मिक्स करेंगे ऐसे घोल को। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी मैंने आपको कुट्टू के आटे की कचौरी भी बनाकर दिखाई है, वो भी बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें हम थोड़ा सा आटा और डालेंगे। मैंने ये टोटल आधा कप आटा लिया है। आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे तभी आप बता पाएंगे कि मेरी रेसिपी अच्छी बनती है जिस नाप से मैं बताती हूँ या नहीं। देखिए ये ऐसे थोड़ा थोड़ा आटा डाल के ना हम इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे बाद में, है ना। ये निकाल के अब हम हाथ से ऐसे मिक्स करके देख लेंगे, ठीक। थोड़ा सा ये जो बचा हुआ आटा है ये भी हम डाल देंगे, यानी हम पूरा आधा कप आटा डाल चुके हैं एक आलू के अंदर। इस तरह से हमने ये घोल बनाकर तैयार कर लिया है। 5 मिनट के लिए इसको रख के छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया ढेर सारा, जो बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। तेल गरम होना हमने रख दिया है कढ़ाई में, और ये देखिए इस तरह से ना हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत फ्लोई कंसिस्टेंसी हमें नहीं रखनी है इसकी, ये देखिए, ताकि ना पकोड़े टाइप ऐसे बन पाए। बहुत फ्लोई नहीं रखना है हमको। तो इसको हम ऐसे उठाएंगे एक आलू के साथ, ऐसे एक आलू के पीस के साथ ऐसे गोल गोल करेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ाई में। एक हमने पहले ही डाल के देख लिया था ऑयल में, इस तरह से ऑयल घी जिसमें भी आप चाहें उसमें आप ऐसे फ्राई कर सकते हैं, और छोटे छोटे ही पकौड़े हम बना लेंगे। पहले गरम तेल करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे, ठीक है। और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और कुछ इसमें डालने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे एक एक करके हम ये सारे पकौड़े डाल लेंगे। देखिए आप ऐसे आसानी से बन रहे हैं, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये ऐसे, मतलब बहुत फ्लोई नहीं है ये, जैसे दाल का घोल होता है ना उस टाइप से। और इसको ऐसे कर डाल दें, तो इसी तरह से हम सारे पकौड़े डाल देते हैं। ये देखिए अब धीमी आंच पे ना हम इनको इस टाइप से तल लेंगे। तो आधा कप में ना ये एक प्लेट भर के पकौड़े बन जाते हैं। देखिए जैसे ही ऐसा होने लगे ना तो हम इनको उतार लेंगे। कितने बढ़िया हैं ये, किसी भी पेपर नैपकिन में उतार लें। तो इस टाइप से हम अलटते पलटते हुए इनको सेक लेंगे। बहुत ही अच्छी धनिया की खुशबू आती है। सेंधा नमक के अलावा मैंने कुछ और नहीं डाला है, क्योंकि लाल मिर्च भी लोग व्रत में नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्च डाली है। देखिए इस कलर के होने पर ना हम सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे, हाँ? और ये करीब सिक चुके हैं अंदर से। थोड़ी सी धीमी आंच पे हमें ये देखना है कि अंदर से भी सिक जाए अच्छे से, और क्रिस्पी तो ये बनते ही हैं। देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं। तो इनकी करते हैं प्लेटिंग, निकाल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए ये है हमारी हरे धनिया की दही वाली चटनी, प्लस ये पकौड़े आलू वाले कुट्टू के आटे के साथ, बहुत बहुत यम्मी और क्रिस्पी हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, अंदर से बिल्कुल अच्छे से पके हैं। ये अंदर आलू है इसके, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, अच्छा सा नमक है, बहुत फर्स्ट क्लास, ज़रूर बनाइएगा। और क्रिस्पी हैं ये,
मैं आपको ये आवाज़ सुनाती हूँ, क्रिस्पी है ना, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, इस नवरात्रि पर जरूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी।